हाय गाइस, मैं हूं सबराज। आप देख रहे हैं सबराज लाइफस्टाइल और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी जो हेयर रीग्रोथ चालू कर सकते हैं अगर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है तो। नाउ ये एक डिमांडेड वीडियो था जो कुछ लोगों ने डिमांड किया था, जिनकी वजह से मैं को ये बना रहा हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पूरी बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है अगर आपके जीन्स बहुत ज़्यादा, आपके जीन्स हैं जो आपके मम्मी या पापा के, उनके अंदर बॉल्डनेस है, तो उसकी वजह से आपके जो डीएसटी रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो सकती है। या फिर आपकी जेनेटिक्स की ऐसे हैं कि आपके अंदर बाल इतना ज़्यादा रहते ही नहीं है, आपको आपके पापा को भी बहुत जल्दी गंजापन आता है, फिर मामा किसी को, आपकी जो क्या बोलते हैं जीन्स के अंदर ऐसा है, तो फिर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो सकती है। नाउ मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जगह पीछे पीछे जाती है, ये पीछे पीछे जाता है और ये पीछे पीछे जाता है। अगर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी गंजे शायद हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत तेज हो रही है एट अ वेरी यंग एज, मतलब 20 साल से भी कम के, और फिर भी आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस चालू हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बॉल्ड हो रहे हो, तो फिर ये खराब साइन है। आप स्टार्ट कर सकते हैं नेचुरल वे से, नेचुरल होम रेमेडीज अगर आप ट्राई कर सकते हैं आपके बालों के अंदर तो वो अच्छी रहेंगी अगर आपके लिए वर्क करती हैं तो। बट अगर आपको सीवियर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो फिर वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो ऐसे के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको दूसरी वेज की तरफ जाना होगा, जिससे सबसे इजीएस्ट है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर आप यूज करके देख सकते हो। डर्मा रोलर क्या करेगा, आपके स्किन के अंदर आपके जो स्कैल्प होती है उसके अंदर माइक्रो पंचर्स कर देता है, और वो माइक्रो पंचर्स को जब हमारी जो स्किन रिपेयर करने जाती है, हमारी बॉडी उसको रिपेयर करती है, तो वहाँ पे बालों को ग्रोथ जो है हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जो जैसे मसाज करते हैं तो मसाज का भी मेन क्या होता है कि हम वहाँ पे एक तो ऑयल की तरफ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ा देते हैं, वैसा ही ये डर्मा रोलर करता है एट अ बिगर स्केल आप कह सकते हो। और वो जो माइक्रो पंचर होते हैं जब उसको रिपेयर करने जाती है तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वहाँ पे आपकी बॉडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपकी स्कैल्प में, उस वजह से आपके बाल की रीग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। लेजर ट्रीटमेंट एक लेजर ऐसी लाइट आती है, जो लेजर जैसी रेड कलर की लाइट होती है, उसको आप बालों के अंदर लगाते हो, ऐसे पहनते हो, उसके अंदर वो रेड लाइट देता है, और वो भी ऐसी स्टडीज के अंदर शो किया है कि उससे भी आपकी जो हेयर की जो फॉल हो रहे हैं आपके वो रुक सकता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस रुक सकती है और हेयर रीग्रोथ में भी थोड़ी मदद करता है। तो आप क्या करना है, आपको अच्छे वेजिटेबल्स ऐड करने हैं आपकी डाइट के अंदर, अच्छे फ्रूट्स आपको खाना चालू करना है और थोड़ा प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना है, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और साथ साथ में आपको खाने के अंदर कुछ चीज़ें लेनी है जो डीएसटी ब्लॉकर्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने ये भी ट्राई किया, आपने डर्मा रोलर ट्राई किया लेकिन आपकी हेयर फॉल रुक ही नहीं रही, तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन अच्छा जो रहेगा वो है आपको डीएसटी ब्लॉकर्स लेना। नाउ डीएसटी ब्लॉकर्स आप अपनी डाइट से भी ले सकते हो, पीनट्स अच्छे डीएसटी ब्लॉकर्स होते हैं, टोमेटोज होते हैं, ऐसे आपके पास डीएसटी ब्लॉकर्स हैं, लेकिन वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं डालते जितना डीएसटी ब्लॉकर्स जो मेडिसिन आती हैं वो डालते हैं। नाउ डीएसटी ब्लॉकर एक है सौ पेलमेटो, वो एक तरह का प्लांट है जो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है वो प्लांट, उससे एक मेडिसिन बनती है, आप वो खा के देखोगे जो डीएचटी ब्लॉकर होती है खास, तो वो आपके डीएचटी को ब्लॉक करने में बिल्कुल हेल्प करेगी और आपकी हेयरफॉल को 100% रोक देगी। तो पर उसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि आपका जो डीएचटी अगर आप पूरी बॉडी में से ब्लॉक कर देते हो तो आपकी बियर्ड भी शायद नहीं आए, तो अब आपको देखना पड़ेगा आपको कौन से बाल ज़्यादा प्यारे हैं। अगर आपकी बियर्ड आ रही है, आनी अभी भी स्टार्ट हुई है तो बियर्ड आनी बंद हो जाएगी, अगर आपकी एक अच्छी बियर्ड आ गई है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी अभी बियर्ड आनी चालू हुई है, आप बहुत यंग हो, तब की बियर्ड शायद नहीं आएगी, बियर्ड का भी डीएचटी ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये एक रीज़न है। तो डीएचटी ब्लॉकर्स आपको बहुत सोच समझ के लेने होंगे और तभी लेने हैं जब आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है और कुछ भी आपने ट्राई किया ऐसे रुक नहीं रहा है। नाउ एक और वे है, वो है यूज़ करना मिनोक्सिडिल या फिर ऐसे कोई ट्रीटमेंट लेना। मिनोक्सिडिल जो है वो कोई भी इजीली घर पे भी यूज़ कर सकता है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है, और मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर के साथ भी यूज़ होता है, एक पेयर अप करके डर्मा रोलर पहले यूज़ करते हैं फिर मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ना उसके अंदर क्या होता है, डर्मा रोलर आपके अंदर माइक्रो पंचर्स कर देता है आपकी स्कैल्प के अंदर, और फिर मिनोक्सिडिल लाते हैं, मिनोक्सिडिल रोगिंग ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हेयर फॉल को रोकती है और साथ साथ में नए हेयर रीग्रोथ के अंदर बहुत जल्दी मदद करती है। बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर को नए रीग्रोथ के अंदर बहुत हेल्प करते हैं, तो आप ले सकते हो मिनोक्सिडिल अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है और आपको बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान है और
ऐसा है, अगर आपको बहुत यंग एज में हो रहा है तो मिनोक्सिडिल एक ऑप्शन है जिसकी तरफ आप जा सकते हो। नाउ मिनोक्सिडिल थोड़ा ड्राई इफेक्ट कर सकता है इन द इनिशियल स्टेजेस, तो आपको न्यूट्रिशन उसके साथ भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना चाहिए और आपको जो बालों के अंदर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना होगा। मिनोक्सिडिल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक्ट आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा उस टाइम के लिए, क्योंकि आपके नए बाल जब रीग्रोथ हो रहे हैं तो आप चाहते हो वो अच्छी तरह से ग्रो हों, तो इसलिए आपको अपना न्यूट्रिशन तब एकदम बढ़िया रखना पड़ेगा, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा फॉर दैट पीरियड। और फिर जब आपके बाल ग्रो हो जाते हैं फिर भी अगर आप मिनोक्सिडिल छोड़ देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपके बाल वापस हेयर फॉल होने लगे, वापस झड़ने लगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा, शायद आपको फिर मिनोक्सिडिल हमेशा के लिए यूज़ करते रहना पड़े, जिसकी वजह से मिनोक्सिडिल एक इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपका डर्मा रोलर यूज़ करके या फिर लाइट यूज़ करके, जो लेज़र लाइट होती है, रेड कलर लाइट होती है, वो यूज़ करके अगर आपका काम हो रहा है तो वो बेस्ट है, आपकी आपका न्यूट्रिशन सुधार के अगर आपका काम हो रहा है तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे कोई वे की तरफ जाओगे जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा यूज़ करना पड़े जो आपको फिर हमेशा हमेशा के लिए यूज़ करना पड़ेगा, और ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा चीप नहीं होता है, और होता है एट द एंड एक केमिकल है, तो आपको बार बार केमिकल आपकी बॉडी पर डालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो वो एक इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए पहले ये वेज ट्राई कर लो, नेचुरल कोई वेज इतना ज़्यादा इसके अंदर हेल्प करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचुरल की अगर आप बात करो तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, जब आप हेयर ऑयल लेते हो उसको गर्म करो, उसको बालों पे लगाओ, सिर्फ आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हो अपने बालों का बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से वो हेल्प कर सकता है आपके स्किन के अंदर भी और आपके हेयर्स को भी हेल्प कर सकता है ग्रो होने में। और अगर आपको ऐसी हेयर फॉल हो रही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है, तो कुछ चीज़ें जो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी पड़ेंगी, जो आप अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ है, एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल वाला खाना, बहुत बहुत जिसके अंदर ऑयल है वो अगर आप खाना खाते हो तो वो आपके लिए एक बैड चीज़ साबित हो सकती है, आपका हेयर फॉल और बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ है, बालों के जब आप खेलने जाते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आप अगर आप बाल धोते नहीं हो, वॉश नहीं करते, अगर आपको बहुत इंटेंस पसीना आया है, बहुत ज़्यादा पसीना आया है, और फिर भी अगर आप बालों को वॉश नहीं कर रहे हो तो बालों को थिन बना सकता है और बालों के जो पोर्स होते हैं जहाँ से हमारे बाल जो है उगते हैं वो भी क्लॉग कर सकता है, तो वो भी एक बहुत ख़राब चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर आप हेयर प्रोडक्ट लगाते हो, अब हेयर प्रोडक्ट हार्म नहीं करते हैं इतना, मतलब थोड़ा बहुत हार्म करते हैं, ड्राई कर देते हैं, ब्रिटल कर देते हैं बालों को, लेकिन ऐसे हार्म अपनी स्कैल्प को हार्म नहीं करते। लेकिन अगर आप हेयर प्रोडक्ट लगाते हो, रूट्स पे लगाते हो और फिर आप उसको लगा के सो जाते हो, या फिर आप उसको लगा के जब पसीने में पसीना आता है और आप उसको फिर वॉश नहीं करते हो या सोने से पहले वॉश नहीं करते हो, ये दोनों ही वेज के अंदर आपके हेयर के जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर सकता है वो हेयर प्रोडक्ट, और आपकी स्कैल्प के अंदर भी एंटर हो सकता है, जो काफ़ी जो है हार्मफुल साबित हो सकता है, आपका हेयरफॉल चालू हो सकता है और हेयर रीग्रोथ का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं वही क्लॉग हो जाएंगे। उसके अंदर एक और आता है, अगर आप बालों को क्लीन नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो चार चार हफ्ते तक, पाँच पाँच हफ्ते तक शैम्पू नहीं करते, ना ही ज़्यादा पॉल्यूशन है और इतना जो बाहर आप डस्ट डर्ट आपके बालों के अंदर जाती है, आपका पसीना आपके बालों के अंदर रह जाता है और वो भी आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है ना। बहुत सारे नेचुरल शैम्पूज भी आते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हो, शिखा खाई और ये सब चीज़ें भी आपके बालों को क्लीन करने में हेल्प करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि शैम्पू यूज़ करना है, लेकिन आप अपने बालों को क्लीन करने का ट्राई करो, हफ्ते में एक दो बार तो क्लीन करो ही करो। अगर आप ये दो महीने तक भी लोग शैम्पू नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो उनके तो बाल क्लॉग हो ही जाएंगे पोर्स, और फिर उनका हेयर फॉल हो सकता है। क्लॉग नहीं होने चाहिए आपके पोर्स, अगर आपके पोर्स क्लॉग हो गए तो आपके बाल वहाँ से ग्रो होना बंद हो जाएंगे। और लास्ट एक और मिस्टेक जो आप कर रहे हो सकते हो वो है कंडीशनर यूज़ करना। ना कंडीशनर सब बोलते हैं कंडीशनर यूज़ करो, लेकिन जब आप शैम्पू कर रहे हो तभी कंडीशनर यूज़ करो और उसको सिर्फ बालों पे लगाओ, रूट्स पे मत लगाओ, स्कैल्प पे मत लगाओ। बहुत सारे लोग जैसे शैम्पू को हम यूज़ करते हैं स्कैल्प पे भी यूज़ करते हैं, वैसे कंडीशनर को यूज़ मत करो, सिर्फ उसको बालों की टिप्स पे लगाओ, बिल्कुल भी आपकी स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, और उसको वॉश कर दो थोड़े टाइम में, बहुत बहुत देर तक रखते हैं ऐसा ज़रूर मत करो, एक दो मिनट के बाद उसको वॉश कर दो। और जो भी आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हो वो ध्यान से उसको यूज़ करो कि वो एक नेचुरल कंडीशनर हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं डाला हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं डाले गए हों, जैसे सल्फेट्स और ये सब, बहुत सारे सिलिकॉन्स और ये सब डाला होता है, तो सिलिकॉन्स और ये सब क्या करते हैं आपके अगेन जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। और जो मोस्ट कंडीशनर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो ट्रेसेमे और ऐसी सब कंपनीज के,
जो महंगे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ते कंडीशनर्स हैं, ये महंगे भी हैं, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा सिंथेटिकली मेड हैं, बहुत ज्यादा केमिकल से बने हुए हैं और ऑयली ऑयली से हैं। तो अगर आपको वो बालों के अंदर लगाते हो तो आपके बालों के पोर्स को क्लॉक कर देते हैं, अगर आप उसको जल्दी वॉश नहीं करते या फिर आप बहुत ज्यादा स्कैल्प पे लगा देते हो, रूट्स पे लगा देते हो। तो कंडीशनर को यूज करना है तो बंद कर दो, और अगर यूज करना पसंद है आपको तो एक नेचुरल कंडीशनर यूज करो, जैसे खादी नेचुरल और ये सब कंडीशनर्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, और ये ज्यादा चीप भी हैं, सस्ते कंडीशनर्स हैं, तो ये आप यूज करने की ट्राई करो। तो वीडियो को अच्छा लगा तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए जो है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।